यही दोस्तों, आज 27 जुलाई है और आज मीरा भाईंदर में 106 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं, 110 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट रिकवर हुए हैं, वहीं 2 की मृत्यु रिपोर्ट हुई है। तो मीरा भाईंदर में अब तक कुल 7,682 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें से 5,770 रिकवर हो चुके हैं, 256 की दुखद मृत्यु हो चुकी है। यानी मीरा भाईंदर में अभी 1,656 कोरोना एक्टिव पेशेंट्स हैं। दोस्तों, आज जो 106 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं, उसमें से 58 मीरा रोड के हैं, 19 भाईंदर ईस्ट और 29 भाईंदर वेस्ट। दोस्तों, आज मैं आपको एक नई जानकारी दे देता हूँ कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा एक नई वेबसाइट बनाई गई है, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि कौन कौन से हॉस्पिटल में कितने कोविड-19 पेशेंट्स के लिए बेड अवेलेबल है। अगर बेड अवेलेबल नहीं रहेंगे तो आप नए बेड के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं उस वेबसाइट पे। मैं वेबसाइट की लिंक कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और वीडियो में भी मैं उस लिंक को चला दूंगा। अभी मैं टोटल स्वैब की जानकारी पर आता हूँ। मीरा भाईंदर के नागरिकों के अब तक कुल 22,789 स्वैब टेस्टिंग के लिए भेजे गए हैं, जिसमें से 7,682 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, 14,409 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 698 की रिपोर्ट आना बाकी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कोविड-19 रिपोर्ट की जानकारी। और दोस्तों, एक और बात सामने आ रही है कि मीरा भाईंदर के एक हॉस्पिटल की मान्यता रद्द की गई है। मनपा द्वारा मीरा भाईंदर में 15 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कोविड-19 पेशेंट्स का इलाज करने की मान्यता दी गई थी, जिसमें से आज एक हॉस्पिटल की मान्यता को रद्द की गई है, जिसका नाम है गैलेक्सी हॉस्पिटल। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो मैं सोचा आपसे शेयर कर दूं। अंत में मैं बस आपसे यही कहूंगा कि अपना ख्याल रखें, सभी को दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच।